दोस्तों, दक्षिण कोरिया कंपनी सैमसंग ने आखिरकार इंडिया में अपना गैलेक्सी A31 को लॉन्च कर दिया है और ये स्मार्टफोन सिंगल रैम वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 6GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है और इसकी प्राइस 22,000 रुपये रखी गई है। जबकि मार्केट में पहले से अवेलेबल सैमसंग के एक और स्मार्टफोन जिसका नाम है गैलेक्सी M31 और इसकी फीचर्स की बात करें तो गैलेक्सी A31 से कई सारे फीचर्स के मामले में ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, साथ ही प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमें गैलेक्सी M31 को लेना चाहिए या फिर गैलेक्सी A31 को लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। गैलेक्सी M31 की बात करें तो यहाँ पे 6.4 इंच की फ्लैश डी प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और वहीं डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गैलेक्सी A31 की बात करें तो यहाँ पे 6.4 इंच की फ्लैश डी प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की कंपेरिजन किया जाए तो दोनों स्मार्टफोन में एक समान डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कैमरे फीचर्स की बात करें तो गैलेक्सी M31 के रियर में 4 कैमरे सेटअप देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, साथ ही 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा के साथ आता है। और वहीं सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और वहीं गैलेक्सी A31 की बात करें तो इसके रियर में 4 कैमरे सेटअप देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, साथ ही 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा के साथ आता है। और वहीं सेल्फी की बात करें तो गैलेक्सी A31 में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे कैमरा कंपेरिजन किया जाए तो गैलेक्सी M31 के रियर हो या फिर फ्रंट, दोनों ही साइड में बेटर कैमरा सेटअप के साथ आता है तो कैमरा कंपेरिजन के मामले में गैलेक्सी M31 ज़्यादा बेटर साबित होता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में मिलने वाली प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31 में सैमसंग का Exynos 9611 के साथ आता है और वहीं गैलेक्सी A31 की बात करें तो यहाँ पे MediaTek Helio P65 का इस्तेमाल किया गया है। और अगर दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की कंपैरिजन किया जाए तो मल्टीटास्किंग में दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर एक समान रिजल्ट देखने को मिल जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस MediaTek Helio P65 में देखने को मिल जाएगा। और वहीं बैटरी एफिशिएंस की बात करें तो गैलेक्सी M31 में ज़्यादा बेटर बैटरी एफिशिएंस देखने को मिल जाएंगे और वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो गैलेक्सी A31 में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिसाइड आपको करना है बैटरी एफिशिएंस चाहिए या फिर परफॉर्मेंस, कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में ब्लूटूथ, वाईफाई, USB टाइप सी, 3.5mm का ऑडियो जैक और इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल कार्ड स्लॉट की सुविधा देखने को मिल जाती है। और वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो गैलेक्सी M31 में रियर साइड में देखने को मिलेगी और गैलेक्सी A31 की बात करें तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की सुविधा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गैलेक्सी A31 में NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जिसकी मदद से बिना क्रेडिट और डेबिट कार्ड के वायरलेस पेमेंट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग के बारे में। गैलेक्सी M31 में 6000mAh की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 15W की फास्ट चार्जिंग फीचर्स के साथ आता है और वहीं गैलेक्सी A31 की बात करें तो यहाँ पे 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 15W की फास्ट चार्जिंग फीचर्स के साथ आता है। तो यहाँ पे बैटरी कंपैरिजन के मामले में गैलेक्सी M31 ज्यादा बेटर साबित होता है। वहीं प्राइस की बात करें तो गैलेक्सी M31 3 स्टोरेज ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 6GB रैम और 64GB से स्टार्ट होती है और इसकी प्राइस 16,000 रुपये रखी गई है, जबकि 6GB रैम और 128GB और इसकी प्राइस 18,000 रुपये में देखने को मिल जाती है और इसके अलावा 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, इसकी प्राइस 20,000 रुपये में देखने को मिल जाती है। वहीं गैलेक्सी A31 की बात करें तो ये स्मार्टफोन सिंगल रैम वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 6GB रैम और 128GB स्टोरेज और इसकी प्राइस 22,000 रुपये में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि गैलेक्सी M31 फीचर्स के मामले में गैलेक्सी A31 से काफ़ी हद तक आगे है, साथ ही प्राइस में भी काफ़ी अंतर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप बेस्ट कैमरे के साथ बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहते हो तो गैलेक्सी M31 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित होंगे। और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो साथ में
इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर और NFC जैसे फीचर्स चाहिए तो गैलेक्सी A31 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित होंगे। वैसे गैलेक्सी M31 से भी अच्छी गेमिंग खेली जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।